यही तो वो पल है जिनके लिए हम जीते हैं। हाँ यार, आप लोगों ने कंप्लीट करवा ही दी मेरे 1300 सब्सक्राइबर, तो इसी बात को लेके मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि भाई आप लोग उस बंदे का हेल्प कर रहे हो जो कि आप लोग अभी देख सकते हो यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गाइस जी सबका नई वीडियो के अंदर। तो कैसे आप लोग, ठीक हो? मैं वीडियो अच्छा गाइस, आज का जो वाला वीडियो है ना काफी मजे का आने वाले, और नहीं आ रहा है ना समझ। अच्छा ठीक है, एक बहुत से बंदों ने मुझे बोला भी है कि भाई तू बहुत तेज़ बोलता है इसलिए हमको समझ नहीं आता है। अच्छा ठीक है भाई, अभी तक मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं ना, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ के साथ और बहुत तेज़ रफ्तार के साथ वॉइस ओवर किया है, तो उसके लिए सॉरी अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि भाई मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था भाई कि 20 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और वो एक ही दिन में पूरे हो गए, तो इस बात से मेरे लिए और खुशी की बात क्या हो सकती है। बट भाई आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे 1300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, लेकिन हर वीडियो में मैंने आप लोगों को यही बताया था भाई कि 25 जुलाई को अपडेट आएगा, लेकिन भाई अभी तक तो अपडेट देखने को नहीं मिला है और इसके बाद भी देखते हैं भाई कि हमको अपडेट मिलता है कि नहीं मिलता है। यार डेल्टा गुरु आईटी ने भी बहुत गाल मचा दी थी भाई कि आज अपडेट आने वाला है, कल आने वाला है और 25 को तो हम हाँ आने वाला है, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। लेकिन भाई हर वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने डेल्टा गुरु आईटी भाई का वीडियो देखा था, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था भाई कि अगर बाद में अपडेट देखने को नहीं मिलाना तो आप लोगों ने ये नहीं कहना है कि क्लचर आप गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे थे हमको। बट कल के वाली वीडियो पे मैंने आप लोगों को एक बात ये भी बताया था भाई कि मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ और उससे मुझे वॉच टाइम बहुत कम मिलता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे स्ट्रीम को ज्वाइन जरूर से कर देना है। तो उस पर एक बंदे ने कमेंट किया था भाई कि आप ये गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, अच्छा वीडियो बना लो, आपको खुद वॉच टाइम मिलेगा। तो इस वीडियो से पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाए है ना भाई, तो मेरे ख्याल से मैंने एक भी वीडियो ऐसा नहीं बनाया है जो बेकार हो। बट अगर अभी के टाइम में मैं बेकार का वीडियोस बनाता हूँ ना, तो इसका एक ही रीजन है, और रीजन ये है भाई कि जब मैं सुबह नमाज पढ़ता हूँ ना और नमाज से आ जाता हूँ, तो मैं सोता नहीं हूँ 5 बजे, ठीक है, सुबह के 5 बजे मैं सोता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ और 9 बजे एंड करता हूँ लाइव स्ट्रीम को। तो भाई कितना हुआ, 5 से 9 बजे तक मैं 4 घंटा लाइव स्ट्रीम करता हूँ, और स्ट्रीम को एंड करती ही भाई मैं क्या करता हूँ, चला जाता हूँ उस वाले काम पे जो कि मैंने आप लोग की वीडियो के पस में देखा है कि आप लोग इस बंदे को सपोर्ट कर रहे हो। तो काम पे 9 बजे मैं जाता हूँ और आपस में घर आ जाता हूँ 2 बजे, तो फिर मैं रोटी खाता हूँ और फिर लाइव स्ट्रीम के लिए बैठता हूँ भाई, फिर मैं 3 घंटा लाइव स्ट्रीम करता हूँ। तो 4 घंटा लाइव स्ट्रीम करने के बाद फिर होती है 6 बजे, और 6 बजे मैं फिर से नमाज के लिए जाता हूँ, असर की नमाज को पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के मैं फिर घर आ जाता हूँ और बैठता हूँ भाई वीडियोस एडिट करने के लिए, शॉर्ट वीडियोस भी बनाता हूँ और लॉन्ग भी। तो अशा की नमाज तक मैं इस एडिटिंग पे टाइम लगा लेता हूँ, और इसके बाद मैं फिर से लाइव स्ट्रीम करने के लिए बैठता हूँ भाई, रात के 1 बजे तक मैं मतलब 3 घंटा लाइव स्ट्रीम फिर से करता हूँ। तो आजकल आप लोगों को मेरे वीडियोस इसलिए पसंद नहीं होते हैं भाई, क्योंकि भाई मैं क्या करता हूँ, सारा का सारा जो गेम प्ले है ना वो तो मेरे लाइव स्ट्रीम में चला जाता है, तो इसलिए मेरे पास अच्छी गेम प्ले नहीं होती है कि मैं एडिट करूँ और आप लोगों को बताऊँ भाई कि वीडियो की शुरू होने से पहले वन ईपोर ज़रा चेक करो और आप लोगों को वन ईपोर क्लचेस दिखाऊँ और अच्छा गेम प्ले दिखाऊँ, भाई मेरे पास गेम प्ले है नहीं तो एडिट कैसे करूँ। तो अब आप लोगों के मन में ये आएगा भाई कि यार क्लचर तो गेम प्ले बना लिया करो ना, लाइव स्ट्रीम क्यों करते हो। भाई अगर मैं सच बताऊँ ना, तो एक वीडियो के लिए कितना गेम खेलना पड़ता है, मेरे ख्याल से 6 घंटे से तो कम नहीं खेल सकते। अच्छा तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना लूँ, तो इसके लिए मैंने 6 घंटा गेम खेला, और 6 घंटा गेम खेलने के बाद मैंने उसे 2 घंटा में एडिट भी किया और उसी वीडियो को मैंने अपलोड किया, ठीक है, उस पे आ गई 150 व्यूज, और 150 व्यूज में से मुझे मिल गई 2 घंटा वॉच टाइम। अच्छा भाई तो 2 घंटा वॉच टाइम को गेन करने के लिए मैंने अपने 8 घंटे बर्बाद कर दिए, और भाई जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ ना, तो 3 घंटा लाइव स्ट्रीम करने से मुझे 10 घंटा वॉच टाइम मिलते हैं, और अगर मैंने एक दिन में 3 बार 3-3 घंटा लाइव स्ट्रीम किया भाई, तो मुझे 30 घंटा वॉच टाइम मिलते हैं। तो मैं दीवाना हूँ कि भाई मैं एक छोटी सी वीडियो के लिए 6 घंटा गेम
के लूँ और उसके बाद मैं उसे 2 घंटा में एडिट करूँ। और ये सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ना कि छुपा रहा हूँ। भाई मैं वो यूट्यूबर हूँ जो कुछ मेरे दिल में होता है ना, वही मेरी मूवी भी होती है। तो भाई मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं रात को, सुबह और दोपहर को तीनों टाइम मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ और 3-3 घंटा करता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरी स्ट्रीम को ज़रूर से ज्वाइन करना है ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी पूरे हो जाए और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अभी मेरे 3 घंटा लाइव स्ट्रीम करने से मुझे 10 घंटे इसलिए मिलते हैं क्योंकि भाई मेरे सिर्फ 4-3-5 वॉचिंग आती है। अगर ये 12-13 तक पहुंचाना तो फिर मुझे एक ही स्ट्रीम से 30-35 घंटा वॉच टाइम मिलेगा भाई। तो आप लोग अगर आओगे और मेरा हेल्प करोगे ना तो जल्दी जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो बस देखता हूँ कि इस वीडियो से कौन आता है मेरे लाइव स्ट्रीम पे। अगर कोई बंदा आएगा ना उधर तो बता देना भाई कि मैंने आपका वीडियो देखा था, मैं वहाँ से आया हूँ। और बाकी बस मैं चुप होने वाला हूँ भाई। आज का वाला वीडियो सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, वसलाम।